अरे जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये खाली मकान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, अब खाली मकान रह गया। महाराज, छत्रसाल की इस पावन भूमि को, अरे महाराजा छत्रसाल की भूमि को है नमन। क्यों कि इस तिदनी का, अरे पैदा हुए इस जन्म भूमि में कीमती रतन। ये तिदनी तीन दिन में नप निर्माण कराए, ओ तिदनी तिदनी तीन दिन में महाराज छत्रसाल निर्माण करी। फिर सबसे पहले हम उनका ही गुणगान सुनाए कि प्रथम सारदा थपी द्वारे। ये पीछे माँ शारदा बैठी है और उनके सन्मुख राम लला। और गांव के भीतर रक्षा के हित तीन जगह हनुमान लला। और जहां सरेआम कतलेआम होते थे, जुगाओ दारू के अड्डे बनते थे इस धरती पे, आज वहां पे अरे यज्ञ पूर्ण जन्म भूमि में करके खुशहाल हो गए। ये जय प्रकाश गुणगान गाए कि माटी के लाल हो गए। गुणगान गाए अरे माटी के लाल हो गए। और देखो आप, आज संगीत की मिसाल पूरे दुनिया में इस मिट्टी से पहुंची है। कैसे? संगीत की कला का इसमें उमंग है, इस गांव की कला का दुनिया में रंग है। अरे संगीत की कला का इसमें उमंग है, ओ इस गांव की कला का दुनिया में रंग है। क्यों कि भाग गबैया चोखर सिंह माटी के लाल हुए, और रच गए भजन महान कवि वो प्यारे लाल हुए। गए भजन महान कवि वो प्यारे लाल। जितने भी कलाकार आकाशवाणी छतरपुर से गाते हैं, चाहे वो सागर जिला के हो, चाहे टीकमगढ़ के, चाहे पन्ना के, चाहे दमोह के, और चाहे पीना और बासोदा विदिशा से आए हो, श्री मंडल कीर्तन के मुंशी अंग हो गए। कलाकारों की जानकारी के लिए हम बता दें कि हर कलाकार एक लाइन गाता है कि जय राधा के प्रेम धन जय माधव सरकार। वो गीत वो कवि इसी अथाई में नन्ना मुंशी जी लिखत थे, उन को लिखो भाव है। और सब कलाकार ने ये गाओ है, लेकिन जो कुपो तो नहीं है कि जो आओ पास है, तो उन्हें हम बता दें कि श्री मंडल कीर्तन के मुंशी अंग हो गए। वो मुखिया थे उस पार्टी के और लेखक भी थे, गीतों की रचना वही करते थे। वो गाने में कौन था,
अरे गाने में मदन मोहन धर्म सिंह हो गए। पूजनीय देशराज पटेरिया जी के बड़े भाई और हम सबके बड़े पिताजी पंडित मदन मोहन जी पटेरिया उस समय स्थिति में मुख्य गायक हुआ करते थे वो धर्म सिंह चंदेल और हरदयाल धनी राम जोधा सिंह याद है। उस श्री मंडल का आज इतना बड़ा आशीर्वाद चला क्योंकि हमें लोगों ने बताया है कि जब श्री मंडल बैठ के यहाँ कीर्तन करते थे तो उस समय जे आपके लोकी सम्राट पूजनीय पटेरिया जी जरा से बच्चे होते थे वो जबरदस्ती उसमें ढोलक लेके बैठते थे। उस दिन अगर वो श्री मंडल ना होता तो शायद आज इस मंच पे कलाकारों को मिला ना होता। देखो आप हरदयाल धनी राम जोधा सिंह याद है उस मंडल का ही ये बैठा आशीर्वाद है। उस मंडल का ही ये बैठा आशीर्वाद और अरे कला के सुंदर कई स्वरूप इस माटी ने उपजाए हैं और उपहान सिंह रचना बुंदेली अरे कला यहीं से पाए हैं। आज सबसे बड़ा इस मिट्टी की प्राप्ति हम आपको क्या है कि देश राज आज दुनिया में अरे देश राज आज दुनिया में इस धरा की मिसाल बन गए। अरे ये जय प्रकाश धन भाग पाए ओ गुण गान गाए कि माटी के लाल हो गए। गुण गान गाए अरे माटी के लाल हो गए। अगली बात देखें आप ये धर्म की धरोहर तिदनी के राम है क्योंकि आप सुनू से दर्शन करो तो नन्नी बहू से जुड़ता नहीं। सबसे पहले ये नव निर्मित जो है पुराने जो है वो ठीक है लेकिन नए मंदिर और नए धर्म के काज कितने हो चुके हैं गांव में आप सब जने जाना तो आसपास के फिर भी हम बताएं कि भगवान हनुमान जी महाराज को मंदिर जो हमारे सम्मानित किशोर सिंह साहब ने बनवाया है ये ज्यादा नहीं मुश्किल से अब 7-8-10 साल पहले की बात है और बात की। उसके बाद माँ दुर्गा को मंदिर बनो और उनके पहले गांव के सबसे ई छोर पे माँ अंजनी और हनुमान जी को मंदिर बनो उसके बाद माँ दुर्गा को बनो भगवान शंकर को। अचानक ही गांव में ऐसी धर्म प्रवृत्ति आई कि भगवान श्री राम स्वयं पधार गए और जो यज्ञ बड़े बड़े गांव में बड़े बड़े पैसे वाले नहीं करवा पाते वो हमारे गांव के बच्चों ने हंसी हंसी में करवा दिया श्री राम। देखें आप इसलिए कहूंगा कि धर्म की धरोहर तिदनी के राम है। माँ अंजनी के संग में बजरंग का धाम है वो अगर इस तरफ चले जाओ पीछे तो माता बड़ी सिमरदा ब्राजी हर बे कष्ट कलेश जो कि हमारे गांव से अलग है लेकिन हमारे गांव ने हमेशा उस मंदिर का सम्मान किया है बचपन से देख रहा हूं और उताल पठेरा मंदिर प्यारो ब्राजे स्वयं है।
ताल पटेला मंदिर प्यारा का और सात तला का पानी इस धरती पर है आया ओ गंगा का वरदान सभी ने घर घर में पाया अरे पुण्य कर्म से युवा वर्ग में भाव आ गया अरे हर बुराई का पतन हुआ बदलाव छा गया और राम श्याम ने जन्म भूमि की माटी सीस लगाई माटी के लगाई